आई एम बारिक गुजरात, मैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। आज के लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है विंडो 10 की सिक्योरिटी, कि विंडो 10 की सिक्योरिटी के कौन से ऑप्शंस हैं जिनको हम अनेबल करके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की कम्युनिकेशंस को, वो इंटरनेट के ऊपर हो रही है, उसको सिक्योर कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि कौन से वो ऑप्शंस हैं। इसके लिए हमें उन ऑप्शंस को सेट करने के लिए एज एडमिनिस्ट्रेटर लॉग इन करना पड़ेगा अपने विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर विंडो 10 में एक ऐसा अकाउंट है जिसको फुल कंट्रोल, फुल प्रिविलेज हासिल है कि एज एडमिनिस्ट्रेटर लॉग इन करके हम पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी चेंजेस या कोई चीज़ भी चेंज, अनेबल, डिसेबल उसको कर सकते हैं। तो विंडो एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट चेक करने के लिए, उसका पासवर्ड सेट करने के लिए हमें दिस कंप्यूटर का आइकन डेस्कटॉप पे चाहिए, जो अभी नज़र नहीं आ रहा। उसके लिए राइट क्लिक करें, पर्सनलाइज में जाएं। पर्सनलाइज में जाने के बाद यहाँ पे थीम है, थीम में जाएं, और थीम में जाने के बाद आपको यहाँ पे राइट साइड पे डेस्कटॉप आइकन सेटिंग नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करें। और यहाँ पे ये एक विंडो ओपन हो गई है। इस विंडो पे यहाँ पे कंप्यूटर पे क्लिक करें, कंट्रोल पैनल पे क्लिक करें, और यहाँ पे अप्लाई करें और ओके करें। तो यहाँ पे दिस पीसी का एक आइकन डेस्कटॉप पे शो हो जाएगा। दिस पीसी के आइकन पे राइट क्लिक करें और मैनेज में जाएं, क्लिक करें, ओपन हो जाएगा एक विंडो। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा लोकल यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। इसमें यूजर्स में जाएं, यहाँ एक अकाउंट है एडमिनिस्ट्रेटर का, इस पर राइट क्लिक करके आप इसको सेट पासवर्ड भी कर सकते हैं, प्रोसीड इसका पासवर्ड सेट कर सकते हैं। और ये कोशिश करें कि पासवर्ड जितना कॉम्प्लेक्स हो, अल्फा न्यूमेरिक उसमें कीवर्ड्स हों, स्पेशल करेक्टर हों, ताकि वो हैक होना मुश्किल हो जाए। आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू ऑनलाइन चल रहा है कि जूम, जो बहुत सारे लोग जूम एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, उससे हमारे यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो हैक हो रहे हैं। और अगर मैंने सिंपल पासवर्ड रखा है 123 ABC, ये सिंपल पासवर्ड रखा है, तो वो विद इन सेकेंड जो है वो सॉफ्टवेयर्स हैं बहुत सारे, जॉनी रिपर्स और बहुत सारे क्रैकिंग पासवर्ड सॉफ्टवेयर हैं, जो विद इन सेकेंड जो है वो उसको क्रैक कर लेंगे। तो यहाँ पे अल्फा नुमेरिक मुश्किल किस्म का पासवर्ड रखे हैं एडमिनिस्ट्रेटर का, और उसको इसको ओके कर दें पासवर्ड रखने के बाद, और एज एडमिनिस्ट्रेटर लॉग इन करें। विंडो 10 जब इंस्टॉल होती है, जिस तरह इस कंप्यूटर में विंडो 10 इंस्टॉल हुई, तो एक यूजर बना है X1 Carbon, ये भी मेंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर होता है बाय डिफॉल्ट। तो आपने इसमें क्या करना है कि एज एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड सेट करके, राइट क्लिक करके सेट पासवर्ड करके, इसके अंदर कम्प्लेक्स पासवर्ड सेट करके एज एडमिनिस्ट्रेटर लॉग होना है ये एक्टिविटी करने के लिए, विंडो 10 को सिक्योर बनाने के लिए। और उसके बाद आपने क्या करना है कि राइट क्लिक करें, न्यू यूजर पे क्लिक करें, और यहाँ पे एक यूजर भी आप क्रिएट कर दें। ठीक है, नेम आप जो मर्जी रख सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे एक नेम रखता हूँ, NIE। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे फुल नेम देता हूँ, फिर डिस्क्रिप्शन देता हूँ, फिर पासवर्ड रखता हूँ। यहाँ पे भी पासवर्ड जो है वो मुश्किल, अल्फा नुमेरिक और स्पेशल करेक्टर रखें। यहाँ लिखा है नेक्स्ट, नीचे लिखा है यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड नेक्स्ट लॉग इन, इसे अनचेक कर दें। यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड, पासवर्ड नेवर एक्सपायर, पासवर्ड कभी भी एक्सपायर नहीं होगा। और अकाउंट को डिसेबल कर देंगे तो आप लॉग इन नहीं हो सकेंगे, इसलिए इस अकाउंट इज डिसेबल को चेक ना करें। और यहाँ पे इसको क्रिएट कर दें पासवर्ड, पासवर्ड दोनों मैच दिए हुए, दोबारा पासवर्ड दें। क्रिएट पर क्लिक करें, अब मैच हो गए दोनों पासवर्ड, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, ये एक अकाउंट क्रिएट हो गया है नहीं। अब जब आपने ये तमाम सिक्योरिटी विंडो 10 की सिक्योरिटी के ऑप्शन को सेट कर लेना है, तो उसके बाद आपने दोबारा जब अपना काम करना है नॉर्मल, कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है जूम के थ्रू, कुछ भी और कोई कॉन्फ्रेंसिंग करनी, कोई काम करना है इंटरनेट के ऊपर, ईमेल्स करनी है, कोई भी ऑफिस वर्क करना है, तो एज एडमिनिस्ट्रेटर लॉग इन नहीं होना, ये जो यूजर क्रिएट किया है इससे लॉग इन होना है। और इसको इंश्योर कर ले यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाकर, मेंबर ऑफ में जाकर, कि ये ग्रुप जो है वो यूजर्स का ग्रुप हो। एडमिनिस्ट्रेटर को फुल कंट्रोल हासिल होता है और यूजर को फुल कंट्रोल हासिल नहीं होता। जब आप एज अ यूजर काम करेंगे तो ऑलरेडी सिक्योरिटी जो है वो कम होगी, और कोई बंदा बाहर से आकर उसको एक्सेस नहीं कर सकेगा, क्योंकि आप कम प्रिविलेज के अंदर, कम सिक्योरिटी, लीस्ट प्रिविलेज सिक्योरिटी में काम कर रहे होंगे।
ये सिक्योरिटी का एक बेस्ट ऑप्शन है कि कब भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम में चेंजेस करनी हो तो एज एडमिनिस्ट्रेटर लॉग ऑन कर लें, और वैसे नॉर्मल कंप्यूटर इस्तेमाल करना हो तो एज अ यूजर के तौर पे, मेंबर ऑफ ग्रुप यूजर के तौर पे लॉग इन करें, इसे ओके कर दें, और एज ए नई लॉग इन करें। अभी क्योंकि मैंने चेंजेस कर दिए हैं तो मैं एज एडमिनिस्ट्रेटर लॉग ऑन हुआ हूँ। आपने जब मैं चेंजेस कर चुकूंगा सिक्योरिटी की और जो भी ऑप्शन है, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है या कोई भी कर चुकूंगा, तो उसके बाद एज ए नॉर्मल एनआई के थ्रू, यूजर के थ्रू मैं इसमें लॉग इन करूंगा उसके बाद रिस्टार्ट करके। ये एक इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटी का एस्पेक्ट है कि जब भी कोई चेंज करें इम्पोर्टेंट एज एडमिनिस्ट्रेटर करें, और जब कर चुके हों तो नॉर्मल यूजर के साथ करें। ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद विंडो 10 के अंदर हम सिक्योरिटी में जाते हैं। यहाँ बिल्कुल कोने में राइट साइड कॉर्नर के अंदर एक ये विंडो बनी है। यहाँ पे ऑल सेटिंग में जाएंगे तो ये तमाम सेटिंग्स जितनी भी है, सिस्टम की, डिवाइस की, फोन की, नेटवर्क, इंटरनेट, टाइम, लैंग्वेज, ऐप, ये तमाम सेटिंग ओपन हो जाएंगी। तो अब हमारा जो आज का लेक्चर है वो सिक्योरिटी के बारे में है, तो हम अपडेट और सिक्योरिटी के अंदर जाते हैं। सबसे पहले आपने ये काम करना है कि अपनी विंडो को अपडेट करें, और विंडो अपडेट उसी वक्त होगी जब आपका ये विंडो 10 एक्टिवेट होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 का एक्टिवेट होगा, और इस पे आपने अपडेट करनी है। और एक चीज़ अपडेट के इशू में इम्पॉर्टेंट है कि सी ड्राइव के अंदर आपके अंदर कई GB, 5 GB या मैक्सिमम स्पेस होनी चाहिए फ्री, ताकि वो अपडेट जो है वो इंस्टॉल हो सके। जितनी मोस्ट अप टू डेट होगी, लेटेस्ट अपडेट होंगी, उतना ही सिस्टम आपका ज़्यादा सिक्योर होगा। तो यहाँ से फिक्स इशू में जाकर आपने अपडेट्स करनी है। ये डाउनलोड्स हो रही है अपडेट, इनको अपडेट करें। मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम 64-bit है तो विंडो की अपडेट हो रही है। उसके बाद जो दूसरा ऑपरेशन है वो विंडो की सिक्योरिटी का है कि विंडो 10 हमें कौन सी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो उसमें सबसे पहला वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन है, जो कि मैंने खुद भी टेस्ट किया है, इंतहाई स्ट्रांग है। सबसे पहले आपने वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन पे करना है। मैंने कुछ फाइलें स्कैन कराई हैं और इसने लिखा है जीरो थ्रेट फाउंड। आप यहाँ पे स्कैन कर भी सकते हैं, स्कैन नाउ भी कर सकते हैं। ये दोबारा स्कैन शुरू हो गई है फाइल्स को, यहाँ पे वो फाइल स्कैन है। इस किस्म की कोई अगर वायरस को कोई थ्रेट उसको मिलेगा, और ये इंतहाई माइक्रोसॉफ्ट ने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया है। अच्छा, एक बेहतरीन तरीके से ये वायरस और थ्रेट को जो है वो पकड़ता है, खासकर मेलवेयर्स को ये पकड़ने में बहुत ज़्यादा है। इसकी मैंने खुद टेस्टिंग की है और बहुत ज़्यादा ये फर्म है। इस तरह आप स्कैन करके इसको आप कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे देखें रन न्यू एडवांस स्कैन, इसमें भी जा सकते हैं फुल स्कैन। कभी कभी जब आप फारिग हों, काम ना कर रहे हो, तो फुल स्कैन भी अपने सिस्टम को कराएं। कस्टम स्कैन में सिर्फ फोल्डर को या किसी ड्राइव को खास आप स्कैन कर सकते हैं, क्योंकि फुल स्कैन बहुत टाइम लेता है। और विंडो डिफेंडर ऑफलाइन स्कैन के इंटरनेट पे नहीं होगा, इंटरनेट से ऑफलाइन होके ये रीस्टार्ट होगा विंडो डिफेंडर। विंडो डिफेंडर बिल्ट इन विंडो 10 के अंदर एक सॉफ्टवेयर है जो इंतहाई स्ट्रांग है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसके ऊपर बहुत काम किया है, अप टू डेट है। मेलवेयर पकड़ने के अंदर, वायरस पकड़ने के अंदर बहुत ज्यादा एफर्ट है, तो इसको आप स्कैन कर सकते हैं। उसके बाद मैं जाता हूँ वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन सेटिंग के अंदर। आप इसको क्लिक करेंगे वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन सेटिंग के अंदर, तो इस चीज का ख्याल करेंगे रियल टाइम प्रोटेक्शन ये ऑन होनी चाहिए। ये ऑफ भी हो जाती है जो इंतहाई खतरा है, और आपकी सिस्टम बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, इसको हमेशा आपने ऑन रखना है रियल टाइम। इन केस आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं और वो बार बार प्रॉब्लम दे रहा है, तो उसको थोड़ी देर के लिए आप इसको ऑफ करके उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं और दोबारा इसको ऑन कर दें। उसके बाद है क्लाउड डिलीवर प्रोटेक्शन। माइक्रोसॉफ्ट ने एक क्लाउड बनाया हुआ है कि आपके ऑटोमेटिकली सबमिशन हो जा सकती है, वहीं क्लाउड पे अप टू डेट वो स्कैनिंग कर सकता है। और इन चीज़ों के लिए, रियल टाइम प्रोटेक्शन, क्लाउड डिलीवर प्रोटेक्शन के लिए, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना चाहिए। थोड़ा सा इसे नीचे करें, लिखे ऑटोमेटिक सैंपल सबमिशन। कोई मेलवेयर पकड़ता है, कोई वायरस पकड़ता है, तो माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड में अपडेट होगा, वहाँ पे स्कैन होगा और उसके मुताबिक वो उसके ऊपर एक्शंस लिया जाएगा। अब नीचे जो है वो लिखा हुआ है स्क्लियन, कोई चीज़, कोई सॉफ्टवेयर नहीं चला रहा वो, ये रियल टाइम बहुत फास्ट है, बहुत अच्छा है, मैनेज उसको पकड़ रहा है। तो आप उसमें एक्सक्लूजन भी निकाल सकते हैं कि चलें आपको कंफर्म है कि ये ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर है, और इस तरीके से आप उसके अंदर ऐड एंड रिमूव एक्सक्लूजन निकाल सकते हैं। कोई सॉफ्टवेयर दे सकते हैं प्लस साइन करके, यहाँ पे कोई फाइल फोल्डर, तो वो उसको वायरस को एज अ एक्सक्लूड कर देगा। उसके बाद नीचे आप देखें वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन अपडेट, इसको अपडेट करें, यहाँ पे चेक फॉर अपडेट करें, इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो, फौरी तौर पे ये जो है वो अपडेट करेगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको कम से कम हर रोज रेगुलर जो है वो आप अपडेट करवाएं इसको, ठीक है। मेरा जो लास्ट टाइम अपडेट हुआ है April 16 के नाम से अपडेट हुआ है, ठीक है। मैं इसको इंटरनेट को अपने सिस्टम में इंटरनेट ऑन कर देता हूँ और उसके बाद इसको अपडेट भी करवा देता हूँ।
वैसे मैंने इसको अपडेट कराया, ये आप हर रोज इस थ्रेड डेफिनेशंस को इंटरनेट के साथ कनेक्ट होकर अपडेट करवाएं। ठीक है, यहाँ तो मैं इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो गया हूँ, अब मैं इसको अपडेट करा रहा हूँ, तो यहाँ से ये अपडेट भी होगा। ठीक है, ये सिक्योरिटी का तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जो है रैंसमवेयर। वैसे तो विंडो 10 की सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग है, रैंसमवेयर इसको कहते हैं कि एक हैकर आपके हार्ड डिस्क के डाटा को इंक्रिप्ट कर देता है, आप उस हार्ड डिस्क के डाटा को ओपन नहीं कर सकते, फिर वो आपसे बिटकॉइन के थ्रू पैसे मांगता है कि ताकि मैं उसको डिक्रिप्ट कर दूं। तो इससे इससे बचने के दो तरीके हैं, एक तो ये तरीका है कि आजकल एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स सस्ती हैं, बहुत ज़्यादा नॉर्मल मिल जाती हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, 1 TB हार्ड डिस्क ले लें, उसमें अपना सारा इंपॉर्टेंट फाइल्स का, ऑफिस का फाइल का एज अ बैकअप के तौर पे रखें, और उसको जब बैकअप ले लें तो उसको ऑफलाइन रख दें, ताकि इन केस कभी इमरजेंसी में हार्ड डिस्क में कोई वायरस आ जाए या रैंसमवेयर आए तो आप अपने डाटा को रिस्टोर कर सकते हैं। रैंसमवेयर प्रोटेक्शंस के अंदर जाएं तो देखें कंट्रोल फोल्डर एक्सेस में मैंने इसको ऑन किया हुआ है। ठीक है, और डाटा रिकवरी का मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ऑप्शन बता दिया कि हार्ड डिस्क में आप एज अ डाटा के तौर पर बैकअप ले सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी, तीनों सेटिंग, वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन सेटिंग्स, थ्रेट प्रोटेक्शन अपडेट और रैंसमवेयर प्रोटेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है और इंतहाई पावरफुल है माइक्रोसॉफ्ट का। उससे नीचे देखें आप अपने अकाउंट की प्रोटेक्शन के लिए साइन इन टू माइक्रोसॉफ्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी इनहेंस सिक्योरिटी है, मैंने नहीं किया। और डायनेमिक लॉक सेटिंग में आप जा सकते हैं, डायनेमिक लॉक सेटिंग के अंदर, ठीक है, आप उसको सेट कर सकते हैं डायनेमिक लॉक सेटिंग के अंदर, और यहाँ पे विंडो हेलो है, ठीक है, रिकग्नाइज, और यहाँ पे आप अपना पासवर्ड और पिन रख सकते हैं। पासवर्ड के बाद एक पिन भी होता है, एक नंबर होता है पिन, अमूमन ये एटीएम कार्ड के लिए भी पिन नंबर यूज होता है, कि एटीएम कार्ड जब आप पुटअप करते हैं एटीएम के अंदर तो आप पिन देते हैं और उससे आप अपने पैसे निकलवा सकते हैं। सेम यही फंक्शन पिन के साथ यहाँ पर भी ऑलरेडी वो मौजूद है। इसी तरह पिक्चर पासवर्ड भी लगा सकते हैं कि आप अपनी पिक्चर पर क्लिक करें तो उस तरीके से पासवर्ड है। तो ये सारी जो इतनी भी है ब्लूटूथ अदर डिवाइस के अंदर कर सकते हैं, प्राइवेसी कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग आप एज अ विंडो 10 आपको प्रोवाइड करता है और इस सेटिंग के अंदर जाके आप इस पर कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है फायरवॉल नेटवर्क सेटिंग। देखिए मैंने डोमेन नेटवर्क पर भी अपनी फायरवॉल ऑन रखा है, सिंपल आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पे इसको ऑफ ऑन कर सकते हैं, इसे ऑन रखिए फायरवॉल। फायरवॉल आपके जो बाहर से इंटरनेट से अटैक आता है उनको जो है वो बचाता है, तो मैंने इसको ऑन रखे फायर प्रोटेक्शन। यहाँ तीन चीजें पूछ रहा है आपसे, डोमेन, प्राइवेट और पब्लिक। पब्लिक वो होता है कि आप अपने लैपटॉप को कभी ऑफिस लेकर जाते हैं, कभी घर है इंटरनेट के साथ है, कभी हॉटस्पॉट के साथ इंटरनेट के साथ कनेक्ट है। प्राइवेट नेटवर्क वो कहता है कि आपका ये सिस्टम सिर्फ ऑफिस के अंदर है, ऑफिस के जरिए से आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो प्राइवेट है। और डोमेन होता है एक्टिव डायरेक्टरी का, कि आपके ऑफिस के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी है। तो तीनों पे मैंने फायरवॉल को ऑन रखा है। इसको ऑन रखने का सिंपल इस पर क्लिक करें और यहाँ पे इसको ऑन करें, ये फायरवॉल आपको बाहर से जितने भी नेटवर्क के अटैक्स होती हैं उनसे बचाता है, और तीनों का ऑन होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आते हैं ब्राउजर ऐप एंड ब्राउजर में, इसमें मैंने लिखा है स्मार्ट स्कीम फॉर माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज नया ब्राउजर है जो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है, बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, इनहेंस है, इंटरनेट एक्सप्लोरर से ज्यादा अच्छा है। ठीक है, उसमें मैंने लिखा है विंडो डिफेंडर स्मार्ट स्कीम फिल्टर हेल्प प्रोटेक्ट योर डिवाइस फ्रॉम मलिशियस साइट एंड डाउनलोड। ठीक है, मुझे वार्न कर दे कि क्या चीज़ डाउनलोड कर रहा है, और इसको आप ब्लॉक भी कर सकते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम डाउनलोड कर रहे होते हैं फाइल, उसको भी ये ब्लॉक कर देता है, तो प्रॉब्लम है, वार्न कर दे। अगर मेरी ट्रस्टेड फाइल है तो ठीक है, मैं डाउनलोड कर लूँगा, नहीं है तो मैं डाउनलोड नहीं करूँगा। इसी तरह स्मार्ट स्कीम फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऐप्स है, वो भी मुझे वार्न कर दे। इसी तरह एक्सप्लॉइट प्रोटेक्शन सेटिंग है कि किसी किस्म के एक्सप्लॉइट हैं, कोई बंदा मुझे हैक कर ले, तो ये यूज़ डिफ़ॉल्ट ऑन, डिफ़ॉल्ट ऑन दोनों पर मैंने ये सेटिंग्स रखी हैं, दोनों के साथ इस सेटिंग्स को मैं ये करता हूँ। उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है डिवाइस सिक्योरिटी का, कोर आइसोलेशन डिटेल, ठीक है, मेमोरी इंटीग्रेशन, ठीक है, इसमें आप ऑन कर सकते हैं ताकि किसी किस्म का कोई मलिशियस अटैक आपकी मेमोरी में एज अ प्रोसेस उसको वो रन ना हो सके। उसके बाद आप देखें हेल्थ रिपोर्ट, डिवाइस ड्राइवर, बैटरी लाइफ, ऐप एंड सॉफ्टवेयर, स्टोरेज, क्योंकि कैपेसिटी मेरे पास कम है, SSD लगी हुई है, इसलिए वो 1 रिकमेंडेशन दे रहा है कि सी में आप स्पेस फारिग करें ताकि कोई अपडेट हो सके। इसके अलावा डिवाइस कोई इशू नहीं, बैटरी में कोई इशू नहीं, ऐप सॉफ्टवेयर। तो यहाँ से आप अपनी तमाम सिक्योरिटी की सेटिंग्स को कर सकते हैं। ये विंडो 10 की वो सिक्योरिटी है। अब आखिरी एक और चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊँ, दिस पीसी पे आप राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टी में चले जाएँ, और इसके बाद आप यहाँ चेंज सेटिंग के अंदर चले जाएँ, और आखिर में आपको एक टैब नजर आ रहा है रिमोट का, यहाँ लिखा हुआ है अलाउ रिमोट असिस्टेंट कनेक्शन टू दिस कंप्यूटर, इसको अनचेक कर दें, और नीचे लिखा है डू नॉट अलाउ रिमोट कनेक्शन टू दिस कंप्यूटर, और रिमोट डेस्कटॉप भी
अलाउ ना करें। हाँ, कभी आपको जरूरत हो, कभी चीज हो, तो उतनी देर के लिए आप अलाउ कर दें और दोबारा इसको डिसकनेक्ट कर दें। तो इस चीज से, ये सारे काम करने से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो काफी हद तक इम्पोर्टेंटली सिक्योर हो सकता है। उसके बाद वो फर्दर सिक्योरिटी के लिए आप जो अवास्ट है, अवास्ट एंटीवायरस, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी रिव्यू अवेस्ट की बहुत अच्छी है, एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट वो सिंगल पीसी को सर्विसेज देता है और अच्छा, फर्दर प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप उसको यूज़ कर सकते हैं और उसकी जो रेटिंग के हिसाब से वो अच्छा है और प्रॉपर तरीके से वो अवेस्ट सॉफ्टवेयर जो है फर्दर आपके सिस्टम को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर आप जाएंगे google.com.pk और यहां लिखेंगे आप इवेस्ट एंटी, और ट्रस्टेड साइट से, सिर्फ अवेस्ट की साइट से डाउनलोड करें, नीचे फाइल हिपो या दूसरी वेबसाइट उससे नहीं डाउनलोड करें। यहां से अवेस्ट की फ्री एंटीवायरस, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.avast.com, हमेशा उससे करें। और यहां पे आप ब्राउजर में देखें एक ताला सा बना हुआ नजर आएगा, इसको अगर आप क्लिक करें और देखेंगे सर्टिफिकेट वैलिड है। बहुत दफा यहाँ पे नॉट सिक्योर नजर आ रहा होता है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ब्राउजर में इस चीज को भी चेक करें कि ये सर्टिफिकेट है। इसका मतलब ये है कि सर्वर से और आपके दरमियान सिक्योर कम्युनिकेशन हो रही है। अगर यहाँ नॉट सिक्योर नजर आ रहा है तो आपको ब्राउजर सही नहीं है, आप दोबारा ब्राउजर ओपरा या क्रूम या दूसरे ब्राउजर को करें। अब यहाँ पे बेस्ट फ्री एंटीवायरस है, पिछले 30 साल से चला आ रहा है। एवीजी भी एक बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छा सॉफ्टवेयर है, लेकिन अवेस्ट ने उसको 2016 के अंदर परचेज कर लिया। अब अवेस्ट, एवीजी और अवेस्ट दोनों का एंटीवायरस का इंजन सेम है, तो यहां से आप इसको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। इसको एक्सेप्ट कर लें। यहाँ पे ये आ चुका है, दो दो दफा हो चुके हैं। अच्छा, ये एंटीवायरस की हम इंस्टॉलेशन करते हैं। अवास्ट एंटीवायरस फ्री ऑफ कॉस्ट है, अच्छा सॉफ्टवेयर है, 30 साल से इस एंटीवायरस की फील्ड में है, इंडस्ट्री के अंदर है। एवीजी को भी इसने परचेज कर लिया, एवीजी इंस्टॉल करें, अवास्ट करें, एक ही है, उसका इंजन एक है, दोनों एक ने परचेज किया। इसको कंटिन्यू कर लें, रन फर्स्ट स्कैन, और ये सिस्टम में इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है अवास्ट की। तो मल्टीपल मैंने आपको बताया था विंडो के वो आप ज़्यादा डिफेंड कर सकते हैं और इसके अंदर भी आप इसको इम्पोर्टेंटली कर सकते हैं। और इसमें अवास्ट फ्री एंटीवायरस हैज एक्सपायर्ड, अवास्ट इंस्टॉलेशन इज फिनिशिंग, तो ये कंटिन्यूस है, इंस्टॉलेशन की फिनिश है, 41% हो चुका है इसको। अच्छा, तो यहाँ पे हम इसको अभी रीएक्टिवेट कर रहे हैं। फ्री में ये ऑप्शंस हैं, ब्लॉक वायरस एंड स्पाइवेयर बहुत है ज़बरदस्त, और प्रोवाइड एक्स्ट्रा रैनसमवेयर प्रोटेक्शन, वो प्रीमियम में पैसे देने पड़ेंगे। सेव ऑनलाइन शॉपिंग, ये भी प्रीमियम में है। सिक्योर योर बुकिंग ट्रांजेक्शन, ये भी प्रीमियम में। हाइड योर पीसी बैंड फायरवॉल, ये भी प्रीमियम में। तो फ्री ऑफ कॉस्ट में सिर्फ आपके ब्लॉक वायरस एंड स्पाइवेयर मिलेंगे। मैं इसको फ्री को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये रीएक्टिवेट हो रहा है लाइसेंस मेरा एंटीवायरस का। और ये इंस्टॉलेशन जो है वो कंटिन्यूअस है, यहाँ पे 99% जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसको रीएक्टिवेट पे ने करा दिया इसके लाइसेंस को, दिस कंप्यूटर इज प्रोटेक्टेड। यहाँ इसके ऊपर आप जाए प्रोटेक्शंस के अंदर, तो वायरस स्कैन कर सकता है, कोड शील्ड है, वायरस चेस्ट है, सैंडबॉक्स है, रियल साइट्स को इंस्पेक्ट करता है, वायरफाई इंस्पेक्टर है, फायरवॉल्स को करता है, रैनसमवेयर शील्ड है। तो ये जो जित पे ताले बने हुए हैं, ये तो जब मैं परचेज करूंगा प्रीमियम तभी ये फीचर्स मुझे अवेलेबल होंगे। मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट में वायरस स्कैन कर सकता है, कोर शील्ड है, वायरस चेस्ट है, वायरफाई इंस्पेक्टर है, सिर्फ यही चीज़ें परफॉर्म कर सकता है। तो ये अभी 1% रह चुका है। तो ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, कंप्यूटर इज प्रोटेक्टेड, रन स्मार्ट स्कैन चला सकते हैं। तो ये एक फर्दर अवास्ट एंटी फ्री वायरस इंस्टॉल करके आप अपने सिस्टम की प्रोटेक्शन कर सकते हैं।